साकोली तालुका के चांदोरी निवासी दयाराम विठोबा रुखमोड़े ने 10 मई 2014 को नवेगांव नागजरा व्याघ्र प्रकल्प के आरक्षित के उमजरी वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 156 में लकड़ी कटाई एवं शिकार करने के उद्देश्य से बगैर लाइसेंस घातक हथियार लेकर प्रवेश करके दो ट्रैप कैमरों को तोड़कर नुकसान पहुँचाने का वन विभाग द्वारा साकोली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था। उक्त आरोपी दयाराम ने वन्य जीव अधिनियम 26(1) के तहत सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान के तहत प्रतिबंध अधिनियम 1984 की कलम 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा एवं ₹21,000 दंड की सजा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित किए गए नवीन नागजीरा वन क्षेत्र यह व्याघ्र प्रकल्प आरक्षित परिसर क्षेत्र होने से यहाँ पर प्रवेश करना प्रतिबंधित है। हाल ही में 14 सितंबर 2014 को नागजीरा अभयारण्य में कुछ व्यक्तियों ने प्रवेश करके वन्य प्राणी परिषद का शिकार किए जाने का अपराध किया था। परिक्षेत्र के टाइगर मॉनिटरिंग कैमरा ट्रैप में दिखाया गया था। अब वन विभाग ने टाइगर मॉनिटरिंग कैमरा के साथ GIS प्रणाली द्वारा आधुनिक कैमरे का उपयोग करने की सुविधा वनाधिकारियों को जंगल में GIS कैमरे से फोटो निकालते ही भ्रमण ध्वनि पर एवं ईमेल पर उसका फोटो प्राप्त होने से वन अपराध एवं सार्वजनिक मालमत्ता का नुकसान करने वालों पर शामत आएगी।